गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर नंबर 11 रीड कर रहे थे, हमारा टॉपिक था लाइट एंड शैडो, ठीक है। तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके। इसमें हम रीड करेंगे कि ऑब्जेक्ट कितने टाइप्स के होते हैं, ओके। देखिए, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन समथिंग थ्री थिंग्स कैन हैपन। जब किसी भी चीज़ पर लाइट पड़ती है तो तीन प्रकार की चीज़ें हमें दिखाई देती हैं, है ना। देखिए, फर्स्ट है ऑल द लाइट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें से लाइट बिल्कुल पास हो जाती है, है ना। सेकेंड, ओनली सम पार्ट ऑफ लाइट पासिस थ्रू द ऑब्जेक्ट, सम पार्ट्स गेट रिफ्लेक्टेड। सेकेंड में है कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें से बहुत से ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से कुछ लाइट तो पास हो जाती है लेकिन कुछ लाइट जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। थर्ड टाइप की देखिए, नो लाइट पासिस थ्रू द ऑब्जेक्ट एंड ऑल ऑफ इट्स रिफ्लेक्टेड। इसमें ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें से लाइट पास नहीं होती, है ना, इसमें से केवल रिफ्लेक्टेड होती है लाइट, ओके। बेस्ड ऑन थ्री बिहेवियर टू वर्ड्स लाइट द ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। लेट अस लर्न अबाउट देम इन डिटेल, ओके। तो ऐसी चीज़ें, ये तीनों जो हमने बिहेवियर पढ़े हमने अभी, तो इन बिहेवियर के अकॉर्डिंग लाइट जो होती है ऐसी चीज़ें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लाइट जो होती है कुछ चीज़ों में लाइट पास हो जाती है, कुछ में नहीं होती है और कुछ में सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हमने ऑब्जेक्ट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट है ट्रांसपेरेंट, सेकेंड है ट्रांसल्यूसेंट और थर्ड है ओपेक, ठीक है। अब हम इसको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। इसमें हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है। चलिए, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मीन्स होती है पारदर्शी चीज़ें, है ना। चलिए, यू कैन सी क्लियरली थ्रू अ प्लेन ग्लास विंडो पैन बिकॉज ग्लास अलाउज मोस्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट टू पास थ्रू इट। मतलब आप लोगों के घर में देखा होगा, आप लोगों के घर में जो विंडोज़ बनी हुई हैं, जो खिड़कियाँ यदि कांच लगे होते हैं, कांच वाली यदि खिड़कियाँ होती हैं, तो उस बाहर सनलाइट जो होती है हमारे घर में आर पार आ जाती है, सनलाइट आर पार हो जाती है, है ना। मटेरियल्स दैट अलाउ ऑलमोस्ट ऑल लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल जिसमें कि लाइट जो होती है पास हो जाती है, पूरी लाइट पास हो जाती है, तो ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, एयर होती है, एयर है ना, एयर है, प्योर वाटर है, एंड सम प्लास्टिक आर ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। जैसे वाटर में देखा होगा, जो यदि पूरा प्योर वाटर है तो उसमें हम अपने परछाई को देख सकते हैं, हमारे शेडो को देख सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होती हैं जिसको हम अपने फेस को देख सकते हैं, तो ऐसे सारी चीज़ें क्या कहलाती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ये बनी होती है, ठीक है। चलिए, सेकेंड है हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट। अब इसमें ये कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, यू कैन नॉट सी थ्रू अ पीस ऑफ वुड बिकॉज इट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट। अच्छा, आप बताओ, कभी आपने जो लकड़ी होती है, लकड़ी के टुकड़े, क्या हमें लकड़ी में आप अपने फेस को देखेंगे, वुड में हम अपने फेस को देखेंगे, तो क्या हम अपने फेस को उसमें देख सकते हैं? नहीं देख सकते ना, क्यों? क्योंकि वो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसी चीज़ें जैसे वुड जैसी ऐसी चीज़ें जिससे हम जिसमें से लाइट पास नहीं होती जिसमें से लाइट पास नहीं होती तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, है ना, ऐसी चीज़ों को हम ओपेक मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है। मटेरियल्स दैट डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक मटेरियल। मतलब ऐसे मटेरियल्स जिसमें से लाइट जो होती है पास नहीं हो सकती, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं ओपेक मटेरियल। जैसे कि देखो, मेटल होते हैं, सभी प्रकार के मेटल हैं, कार्डबोर्ड जो होता है और जो रबर होता है, वो सारे क्या होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ेंगे ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ये क्या होती है, इस पिक्चर को ध्यान से देख लो। देखो, फर्स्ट पिक्चर में हमारा जो हैंड, इनका जो हैंड है हमको क्लियरली दिखाई दे रहा है, इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट।
सेकंड वाला देखो ट्रांसल्यूसेंट, इसमें देखो हाथ हमको दिख तो रहा है लेकिन बिल्कुल क्लियरली नहीं समझ में आ रहा है, बस हाँ हमें ऐसा लग रहा है कि हाँ हाथ है किसी का लेकिन हमें बिल्कुल क्लियर हम नहीं समझ पा रहे हैं। और थर्ड वाले पिक्चर में देखो इसमें हैंड हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये तीनों टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। फर्स्ट वाला होता है ट्रांसपेरेंट, जिसमें लाइट पास हो सकती है। सेकंड होता है ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें कुछ लाइट तो पास हो जाती है लेकिन कुछ जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और उसमें क्या होता है सारी लाइट जो होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो समझ गए ट्रांसल्यूसेंट, फिर से देख लो। लुक एट द लाइटेड टॉर्च थ्रू ड्रेसिंग पेपर, आप लोगों ने देखा होगा जो टॉर्च होती है, यदि हम टॉर्च जलाते हैं और उसको एक पेपर पर फोकस करते हैं तो क्या होगा, यू विल बी एबल टू सी द ग्लो ऑफ टॉर्च बट नॉट द टॉर्च इट्सेल्फ। इसमें क्या होगा, जो टॉर्च जलती हुई टॉर्च तो हमको ड्रेसिंग पेपर में से दिखेगी, लेकिन है ना जलती हुई टॉर्च तो दिखेगी लेकिन हमें वो मतलब उसका ग्लो तो दिखेगा कि हाँ टॉर्च जल रही है, लेकिन वो टॉर्च को हम आसानी से नहीं देख पाएंगे। ड्रेसिंग पेपर अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू, ड्रेसिंग पेपर ने क्या किया, इसमें से कुछ लाइट तो पास कर दी बट नॉट इनफ टू कैपेबल यू टू सी क्लियरली थ्रू इट, लेकिन उसको हम क्लियरली देख नहीं पा रहे हैं, है ना। मटेरियल्स दैट अलाउ ओनली सम लाइट टू पास थ्रू बट नॉट इनफ टू सी क्लियरली थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स। बटर पेपर एंड फ्रॉस्टेड ग्लास आर ऑल्सो ट्रांसल्यूसेंट। चलिए आ गया समझ में। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे मटेरियल जिसमें कि लाइट पास बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाती, है ना, जैसे कि इसमें दिख रहा है ट्रांसल्यूसेंट में, जैसे फर्स्ट वाले में देखो क्लियर दिख रहा है इनका हैंड हमें, सेकेंड में हमें नहीं दिख रहा है, तो ये सेकेंड वाले जो हैं वो क्या है, ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। ओके तो समझ में आया आपको, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक। एक बार फिर से देख लो, ट्रांसपेरेंट ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें से लाइट आर पास हो सकती है। सेकंड मटेरियल ट्रांसल्यूसेंट, इसमें से कुछ तो पास हो जाती है लेकिन हमें चीज़ जो है क्लियर, मतलब इसमें लाइट जो होती है ऐसा लगता है कि कुछ पास हो रही हो, है ना, लेकिन हमें चीज़ क्लियरली दिखाई नहीं देती। और थर्ड में लाइट जो होती है बिल्कुल पास नहीं होती बल्कि रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से यह हमने 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़े, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ओके।